बैक, सो लॉन्ग टाइम नो सी, बट अगेन वेलकम बैक. सो मैं बताना तो चाहती हूँ कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 2 मई से, इसलिए मेरी वीडियोस आ नहीं रही हैं. एंड अभी मैं स्कूल में थी, सो अब कुछ दिन घर आई हूँ, तो आप सभी को एंड ख़ुद को भी इंटरटेन कर ही लेती हूँ. स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड से, इसका नाम है किम ब्योल. दरअसल हमारी फीमेल की डबल रोल है इसमें, उसकी एक जुड़वा बहन भी है, मतलब बहन कह सकते हो, उसकी दूर की बहन होगी, मतलब कहीं तो बिछड़े होंगे. यहाँ पर जो उसका सेकेंड रोल है वो है दायुन का, जो कि एक बहुत ही सिंपल लड़की है एंड वो एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करती है. यहीं पर हम किम ब्योल की बात करें तो वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है एंड वो एक आइडल भी है, वजह से उसे हमेशा मीडिया एंड फैंस से घिरे रहना पड़ता है. दरअसल उसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा पिटी है एंड आइडल है तो पिटी होना तो बनता ही है. और यही हम बात करें तो उसे मीडिया वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है. यहाँ पर जब मैनेजर के साथ कंपनी से बाहर निकलती है तो वो दिखती है कि यहाँ पर बहुत सारी मीडिया जमा है, सभी उसके जो फैंस हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं. इसके चक्कर में उसे चक्कर आने लगते हैं, अचानक से पैनिक होने लगता है, वो वहीं पर बेहोश होने लगती है. तभी उसका मैनेजर उसे उन सबसे दूर ले जाता है. यहाँ पर मैनेजर ने कुछ कॉफ़ी ऑर्डर की थी जो कि दायुन के कैफ़े से आ रही थी एंड ऑब्वियस है दायुन उसे डिलीवर करने के लिए आ रही थी. जैसे ही वो यहाँ पर मैनेजर से मिलती है तो मैनेजर पहले तो उसे एक नज़र देखता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे नोटिस करता है वो एकदम सरप्राइज हो जाता है. वो कहता है कि एक मिनट, तुम तो बिल्कुल किम ब्योल की तरह लग रही हो, राइट? यहाँ पर दायुन कहती है कि मैं आइडल की तरह लग रही हूँ. तो मैनेजर कहता है कि हाँ, तुम क्या मेरा एक फेवर करोगी? एंड इसके चक्कर में वो उसे इतने ज़ोर से पकड़े रहता है एंड उसके पैसे भी नहीं देता. तभी वो कहती है कि ओके, पहले बताओ तो क्या बात है. इसके बाद मैनेजर उसे किम ब्योल के पास ले जाता है एंड उससे कहता है कि देखो, जो हमें चाहिए था वो मिल गया. यहाँ पर किम ब्योल उसे देखती है एंड दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक होती हैं. यहाँ पर दायुन को ये तो पता था कि वो किम ब्योल की तरह सिर्फ दिखती है, पर यहाँ पर आकर उसे ये पता चलता है दोनों एकदम हम शक्ल हैं, मतलब सेम एकदम सेम. यहाँ पर दायुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो कहती है कि उसे क्या करना है. यहाँ पर किम ब्योल उसे बताती है कि उसे एक शॉर्ट फिल्म प्रोग्राम करने के लिए कहीं पर जाना है एंड वो वहाँ पर जाना नहीं चाहती बिकॉज वो अभी बीमार है. यहाँ पर दायुन उसे मना तो करना चाहती थी, वो कहती है कि अगर हम पकड़े गए तो इसके चक्कर में कितना कुछ भुगतना पड़ेगा, राइट? एंड ये कुछ ज़्यादा ही हॉरिबल नहीं हो गया तुम, मैं तुम्हारी जगह पे, तुम मेरी जगह पे, एंड इट्स बिट डिफ़िकल्ट. यहाँ पर किम ब्योल उसे थोड़ा इमोशनल कर देती है और कहती है कि मैं सच में नहीं कर सकती. यहीं पर हम किम ब्योल की बात करें तो उसका इंडस्ट्री में काफ़ी नाम तो है, बट अंदर ही अंदर उसके बॉस उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसका जो चेहरा है वो हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता है, वो कभी भी खुश दिखती ही नहीं है. हमें ये भी पता चलता है कि उसके जो बॉस हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे एंड वो सोचते हैं कि बस एक बार ये फिल्म हो जाए, अगर ये अच्छी गई तो फिर हम उसकी लाइफ के बारे में सोचेंगे, अगर नहीं तो क्या पता उसे बाहर निकाल दिया जाए. एंड ये सब चीज़ें उसके लिए कॉम्प्लिकेट होने वाली थी, लेकिन ये सब उसे अभी पता नहीं था. दाई उन सब चीज़ों के लिए मान जाती है. यहाँ पर किम ब्योल का मैनेजर उसे अच्छे से सब कुछ समझाने लगता है कि उसे कैसे बिहेव करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा मेकअप करना है. साथ में उसे ये भी बताता है कि तुम्हें कौन सी लिपस्टिक ट्राई करनी है एंड क्या क्या वगैरह वगैरह चीज़ तुम्हें करना है जो कि तुम्हें अभी बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला. किम ब्योल के पूरे ग्रुप की हिस्ट्री उसे बताता है कि कौन कैसे है, किसकी पोजिशन कहाँ है, कौन वोकलिस्ट है, कौन मेन रैपर है, कौन मेन डांसर है. उसे तो कुछ पता नहीं था तो सब कुछ उसे एक्सप्लेन करता है डीपली. उसे इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं, केपॉप आइडल वगैरह, बट उसे सब कुछ झेलना है तो अब उसे जानना तो पड़ेगा. यहाँ पर मैनेजर उसे बताता है कि मैं तुम्हें पूरे टाइम टू टाइम सारे टास्क देता रहूँगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, अपने आप को ज़्यादा बर्डन मत करना है, मेरे ऑर्डर्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना. यहाँ पर दायुन कहती है कि ओके सर. किम ब्योल भी दायुन की जगह अपने काम पर चली जाती है. यहाँ पर जो दायुन की फ्रेंड है आरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है, वो अभी अपने मिडिल स्कूल में, मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटी है, उसकी हरकतें भी काफ़ी बच्चों टाइप की हैं. उसे गिवअप आइडल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड वो भी बहुत ही बड़ी आइडल बनना चाहती है, और साथ साथ में वो किम ब्योल को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है. सभी को देख ही रही होती है. वो यहाँ पर जब दायुन को आते हुए देखती है तो कहती है कि मैं ना अभी स्कूल ट्रिप में जाने वाली हूँ एंड वहाँ पर मेरा डांस परफॉर्मेंस है, तो मैं डांस करने वाली हूँ, तो तुम मेरा परफॉर्मेंस देखने ज़रूर आना. ब्योल सभी के लिए थोड़ा इग्नोर करती है, लेकिन आर्य उसे छोड़ती नहीं है और कहती है कि नहीं तुम्हें देखना ही होगा. तभी किम ब्योल कहती है कि मैं यहाँ पर अभी के लिए 7 दिनों तक कैसे रहूँगी, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 7 दिनों का था. यहाँ पर दायुन की मुलाकात हमारे मेन लीड जंग वू से होती है, जो कि बहुत ही स्मार्ट हैंडसम पर्सनैलिटी है. वो एक फेमस एक्टर है, साथ में एक केपॉप आइडल भी है. उसका पहला टास्क बस ये रहता है कि उसे उसके साथ लंच करना है. नसीब में परेशान रहती है कि वो क्या ऑर्डर करे, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं है कि किम ब्योल को दरअसल पसंद क्या है. से किम ब्योल का मैनेजर एक कार्ड भेजता है, उस पर उसका पहला टास्क लिखा होता है कि उसे कुछ ऑर्डर करना है. तभी वो मेनू में ढूंढने लगती है, कुछ सिंपल सा ऑर्डर करती हूँ, नहीं तो कुछ ऐसा मंगा लूँ कि मुझे खाना ही नहीं आया, नहीं तो मेरी पहले दिन ही बेइज्जती हो जाएगी. दायुन की हरकतें वियर्ड तो रहती हैं, साथ साथ में वो
जब वो जंगबू को देखती है तो कहती है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। तभी जंगबू कहता है कि क्या क्या बोला तुमने। तभी किम्बुल कहती है कि नहीं, तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो आज, आज लग रहे हो, वैसे तो लगते ही हो। यहाँ पर जंगबू कहता है कि इट्स वियर्ड ना। तभी यहाँ पर दायों सोच रही थी कि क्या मैंने सच में कुछ अजीब कह दिया। इसके बाद लंच खत्म करके दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं। दिखती है कि जंगू दरअसल उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो वो कहती है कि क्या उसे नाइट एक साथ एक रूम में स्पेंड करनी है। तभी वो जंगू से पलट कर कहती है कि नहीं नहीं वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो सब करने नहीं वाली। तभी जंगू कहता है कि एक मिनट, मेरा रूम जस्ट बगल में, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है मेरी। जंगू तो चला जाता है, लेकिन बेचारी दायों शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। वो कहती है कि उसने कितनी बड़ी सिली हरकत की, मतलब उसे कहने की जरूरत थी, तुम्हें और पेशेंट कर लेती तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना था, मतलब अपने रूम में चला जाता है, मैं अपने रूम में, लेकिन नहीं, मुझे तो अपना मुंह खोलना ही है। हे भी हम जंगू की बात करें तो बेचारे की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। दरअसल उसे भी अपने मैनेजर के चक्कर में काफी कुछ झेलना पड़ा था, मतलब पड़ता ही है। दरअसल वो भी किम्बुल की तरह इस प्रोग्राम में नहीं आने वाला था, लेकिन उसे फोर्स किया गया एंड उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजा गया। दरअसल उसका इंटेंशन तो यहाँ पर आने का 1% नहीं था, पर बेचारा फोर्सफुली यहाँ पर बैठा है। यहीं पर हम बात करें तो उसकी बातों से पता चलता है कि उसे उसके घर के सिवा कहीं नींद ही नहीं आती है, एंड उसे कई चीज़ों का फेयर भी है। उसे कई सारे पुराने सपने आने लगते हैं कि कोई फ़ैन है जिसका पीछा कर रहा है, मतलब कुछ वियर्ड से सपने जो कि हमें क्लियरली अभी नहीं दिखाए जाते। जब दायुन अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसका सूटकेस उसके पास नहीं है। दरअसल उसका सूटकेस जंगबू से चेंज हो गया है। जंगबू को अपना लगेज वापस करने के लिए जाती है। यहाँ पर जंगबू हड़बड़ाते हुए गेट खोलता है, जल्दी से बंद कर लेता है। तभी यहाँ पर दायुन कहते हैं कि इट्स ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जंगबू कुछ रिप्लाई नहीं देता। वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था बट उसे शो नहीं करता। यहीं पर हम किम्बुल को देखें तो आर्य उसे देख देख कर काफ़ी परेशान थी, और उसे याद आता है कि आयुन ने अपने सैंडविच में एग प्लांट मिलाया हुआ था। दरअसल उसे तो बैगन बिल्कुल पसंद ही नहीं है, फिर उसने क्यों खाया? तो ये उसे लगता है कि नहीं नहीं क्या पता वही ना, मतलब ये फेमस आइडल किम्बुल तो नहीं। तभी उसे यकीन नहीं होता और कहती है कि हाँ दोनों सिमिलर तो दिखती हैं, बट ये हो ही नहीं सकता कि किम्बुल मेरे कैफ़े में आकर यहाँ पर काम करे। उसे एकदम रियलाइज होता नहीं। इसके बाद वो भाग कर किम्बुल के पास आती है और वो उससे गिफ्ट मांगती है, अपने मोबाइल पर दिखाती है, कहती है कि उसे अपने बर्थडे पर ये सब चाहिए। तभी किम्बुल कह देती है कि हाँ वो उसे दिला देगी। वो अचानक से वो वाला गिफ्ट निकाल कर उसे दिखाती है। दायुन उसे 2 दिन पहले गिफ्ट कर चुकी है, मतलब तुम दायुन हो ही नहीं सकती, हो आयु मतलब तुम कौन हो। यहाँ पर किम्बुल को लगता है कि अब तो झूठ मिलने का सवाल ही पता नहीं होता, तो उसे सारी बात क्लियरली बता देती है। यहाँ पर आर्य इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वो ये सब किसी को भी नहीं बताया कि ये एकदम टॉप सीक्रेट है, एंड मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो। मतलब वो किम्बुल को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हाँ वो अपने दायुन को मिस कर रही थी, बट वो किम्बुल की कंपनी के साथ भी काफ़ी खुश थी। किम्बुल कैफे में कर ही रही होती है, तभी वो एक कस्टमर के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, एंड वो कस्टमर चिल्ला चिल्ला कर पूरा कैफे अपने सिर पर उठा लेती है और कहती है कि तुम्हें पता भी ये इतना, ये मेरा पर्स कितना महंगा है, ये तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी से भी ज़्यादा महंगा होगा। यहाँ पर वो उसकी फ़ोटो खींचने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचूँगी क्योंकि तुम मुझे नंबर तो दे नहीं रही हो। इसके बाद इसके चक्कर में किम्बुल को पैनिक होने लगता है। इतने में ही हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड, जो कि दरअसल इस कैफे का ओनर है, वो आ जाता है। एंड हमारा सेकंड मेन हीरो, जी हाँ थोड़ी कम हैंडसम है, वो बीच में आ जाता है। वो कहता है कि आपने मेरे एम्प्लॉय को परेशान करने की कोशिश की कैसे, एंड जब आप उसे परेशान कर रहे हो तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तभी यहाँ पर वो आंटी तो मानती नहीं है, वो कहती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे इस वेटर ने मेरा काम खराब किया है। आरी बाहर भाग करा दी और कहती है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, उसने भी बाहर से देखा है कि आप यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को परेशान कर रही हो, एंड आंटी आप देखना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। एंड ये बात सुनकर तो आंटी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यहाँ पर जियान लगे हाथ ये भी कह देता है कि आप जो मेरी कुर्सी पर बैठे बैठे उसे तोड़ रही हो, कभी कंपैशन मैं आपसे मांग ही लूँगा, बिकॉज बेचारी टूटी जा रही है, देखिए ज़रा उसकी हालत, अपना वजन देख कर दरअसल कुर्सी पर बैठा करिए। एंड ये बात सुनकर तो आंटी बिल्कुल शेम शेम हो जाती हैं। इतनी शेमलेस आंटी तो होंगी नहीं, वो दरअसल वहाँ से उठ के भाग जाती हैं। यहीं पर दायुन की बात करें तो उसे किम्बुल की तरह फोटोशूट पर जाना पड़ता है, उसका सेकंड टास्क फोटोशूट रहता है, वो कपल दोनों। यहाँ पर जब उसका सोलो परफॉर्मेंस होता है तो वो कुछ खास करती नहीं क्योंकि उसे पोज देना तो आता ही नहीं, तो फोटोशूट क्या वो खाक करेगी। पर जो फोटोग्राफर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद दायुन जब अकेले में रहती है तभी वो फोटोग्राफर उसे मिलने के लिए आते हैं, एंड वो उससे कहते हैं कि तुम्हें प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए बिकॉज तुम्हारा जो करियर नौका ही रह गया है, एंड तुम्हारे बॉस भी तुमसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, तो तुम्हें कभी भी तुम्हारे आइडल के पद से निकाला जा सकता है।
इतने में जंगू आकर उनकी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करता है और वो उनसे कहता है कि अगर आपकी बकबक ख़त्म हो गई हो तो मेरा भी सोलो फोटो शूट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद फोटोग्राफर मान जाते हैं, इसके बाद उसका फ़ोटो शूट करते हैं। उसका फ़ोटो शूट एकदम परफेक्ट रहता है, लेकिन लास्ट टाइम पर जंगू भी नहले पर दैला मारता है और कहता है कि मेरा फ़ोटो शूट तो सही रहा था, लेकिन आपको आगे से किम्बल को ऐसे अकेले में बात करने के लिए बुलाना चाहिए ही नहीं। आप क्यों उसे बार बार उसका अकेला टाइम मांगते हैं? आज तो आपने उसे ड्रिंक भी ऑफर किया, मतलब आप सिर्फ दोनों एक साथ जाने वाले हैं। यहाँ पर जो सारे स्टाफ मेंबर हैं वो एकदम फोटोग्राफर को घूर घूर कर देखने लगते हैं, मतलब ऐसे जैसे वो कोई मर्डर कर कर आए हैं। एंड ये बात जंगू ने कह ही दी है तो ये जंगल की आग की तरह तो फैलेगी। सारे स्टाफ में हल्ला हो जाता है कि फोटोग्राफर की नीयत बहुत ख़राब है एंड वो दरअसल किम्बल को परस्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद जो फोटोग्राफर जंगू की तरफ से दिखता है, कुछ कर तो पाता नहीं है, बट वहाँ से चला जाता है। तभी जंगू को भी एक लड़की अजीब सी दिखने लगती है जिसके चक्कर में उसका आपा ही खो जाता है। यहाँ पर किम्बल उसे देखने के लिए आती है और कहती है कि आई यू ओके। तभी जंगू उसे उसका थोड़ा टाइम मांगता है और वो और दायोन एक साथ मिलकर एक कैफे पर जाते हैं। यहाँ पर दायोन का एक चुलबुला सा बिहेवियर देखकर जंगू को तो यकीन ही उठता कि ये सच में किम्बल है, जिसके बारे में मैंने सुना कि वो एकदम एक्सप्रेशन लेस है, बट ये तो काफ़ी क्यूट है। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं। यहीं पर हम उस फोटोग्राफर को देखें तो उससे देख रहा था, वो एक कॉल पर बात करता है जंगू के करियर को डिस्ट्रॉय करने की बात दरअसल वो कर रहा था, मतलब ये भाई साहब कुछ अलग ही गेम खेलने वाले हैं। इसके बाद जब ये दोनों कपल वापस अपने घर पर जाते हैं और जब जंगू अपने रूम में एंटर करता है तो उसका सामान एकदम बिखरा पड़ा था, जिसको देखकर वो एकदम डर जाता है। बेचारा बहुत ज़्यादा डरपोक है। भागकर वो दायोन के पास आता है, तभी दायोन उसके कमरे में आती है। जब तक वेट करती है जब तक वो सो ना जाए, मतलब बेचारी को उसे सुलाने के लिए भी टाइम चाहिए। इसके बाद वो कहती है जब तुम सो जाओगे तो मैं चली जाऊँगी, बट बेचारी जाती नहीं है, वो वहीं पर सोफे पर सो जाती है। इसके बाद जब आधी रात में जंगू उसे दिखता है, वो कहता है कि तुम्हें तो प्रॉमिस किया था तुम चली जाओगी, बट तुम तो यहीं पर सो गई। इसके बाद उसे कवर करता है। बेल बजती है तो दोनों की आँख खुलती है एंड यहाँ पर इन दोनों को लगता है कि अब तो वो दोनों फंसे, क्योंकि वो दोनों एक साथ एक ही कमरे में से दायों जाकर छुप जाती है कि जो को मैनेजर रहती है वो दरअसल उसके कमरे का शूट करने के लिए आई थी। इसके बाद वो सारा कमरा घूम घूम कर देखने लगती है। यहाँ पर जंगू बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किम्बल का कोई भी सामान यहाँ पर कैमरे में ना आ जाए एंड वो काफ़ी ट्राई करता है कि बेचारी किम्बल इन सब चीज़ों से बच जाए। तभी किम्बल भी बचते बचाते आखिरकार जंगू के कमरे से निकल ही जाती है। पर अभी मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई थी। इसके बाद अगले दिन इनका दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। दायोन को पता रहता ही नहीं है कि किम्बल को क्या पसंद है। इसके बाद इनका थर्ड प्रोग्राम दरअसल एक मॉल में था। यहाँ पर इन दोनों को शॉपिंग करनी थी, मतलब अपने अपने फेवरेट फूड्स की। इसके बाद दायोन जाकर जल्दी जल्दी किम्बल से उसके फेवरेट फूड्स के बारे में पूछती है, तभी किम्बल उसे बता देती है, बट वो उससे सिर्फ आधी बात बता पाती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट ये सभी जब अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अपने किसी काम से फ़ोन कॉल करने के लिए चला जाता है। बेचारी किम्बल अकेले रह जाती है। वो कैमरे के सामने देखकर उनसे पूछ रही थी कि क्या मैं अकेले होते हुए मुझे बात करनी होगी, ज़्यादा वेयर्ड है ना, मैं अकेली हूँ फिर मुझे बकबक बकबक बोलना पड़ता है। सच में एक आइडल की ज़िंदगी इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं होती जितनी कि हमें कैमरे पर दिखाई जाती है। सो डिस्कस्टिंग। यहाँ पर जंगू किम्बल के बारे में बात कर रहा था एंड वो कुछ उल्टा सीधा ही बोल रहा था, मतलब उसे ऐसे टोन में बात करनी पड़ रही थी, जो सुनकर किम्बल को काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। इसके बाद वो सोचने लगती है कि जंगू तो एकदम फेक इंसान है, फीलिंग्स के साथ सिर्फ खेल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा इंसान है नहीं है। इसके बाद जब इन दोनों को किचन में काम करना होता है, ख्यालों में खोए खोए उन्हें अपना हाथ काट लेती है। तभी जंगू उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, ताएँ उन्हें उससे अपना हाथ झटक कर वहाँ से भाग जाती है और कहते ठीक है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दैट हम देखते हैं फ़ोन कॉल पर बात कर रहा होता है। ये कह रहा था कि उसे लगने लगा है कि वो भी किम्बल के लिए कुछ कुछ फील करता है। किम्बल बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान है एंड शायद वो पसंद भी करने लगा है। तो ये एपिसोड ख़त्म होता है एंड लास्ट पार्ट में हम शायद जंगू के भी डबल रोल को देखते हैं। आई एम नॉट श्योर कि दोनों डबल हैं एंड आप भी श्योर नहीं हो सकते। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।